असलामुअलैकुम, वेलकम है आपका निमो किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी तुर्कीश सीख बोटी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। ये देखिए जी, इस तरह से इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून हम लोगों को नमक चाहिए, 1/2 टीस्पून हम लोगों को पेपरिका पाउडर चाहिए है, 1 टीस्पून हम लोगों को ज़ीरा चाहिए है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट करके कूट लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ पर जो है लहसुन के जमे जिसे चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास लेमन जूस है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इसे इस तरह से हमने कट कर लिया है स्लाइस में। 1 टेबल स्पून हम लोगों को भर के टोमेटो प्यूरी चाहिए है। अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है तो टमाटर लें, उसे ब्लेंड कर लें पानी डाल के। 1 मीडियम साइज़ के हम लोगों ने कैप्सिकम लिए, उसे भी इस तरह से हम लोगों ने कट कर लिया स्लाइस में। ये सारी चीज़ें चाहिए और हम लोगों को 1/2 कप दही चाहिए। सबसे पहले एक बाउल में हम लोग जो है वो चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखें जी, ये हमने इसमें नमक ऐड कर लिया। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वांटिटी कम लग रही है तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये नमक डाल दिया, ये साथ हम लोगों ने लहसुन ऐड कर दिया, इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड कर दिया है। ये अब हम लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। अब हम लोग इसमें ये पेपरिका पाउडर ऐड करें, ये पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया इसमें। ये अब हम लोग इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, लेमन जूस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये हम लोगों ने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है। अब हम लोग इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब हम लोग इन सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ये देखिए जी, यहाँ पे जो है एक बाउल मैंने दही लिया जिसे अच्छे से फेंट लिया था। अब वो सारी दही हम इस चिकन में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। ये देखें जी, इस तरह से अभी हम इसे मिक्स कर देंगे और फ्रिज में इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो जनाब 20 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ पर चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी वुडन स्टिक्स ली हैं। अब हम लोग जो है चिकन को इसमें इस तरह से लगाएंगे, चिकन लगाएंगे। एक पीस जो है हम लोग इस तरह से, एक स्लाइस जो है वो शिमला मिर्च का लगाएंगे और हम लोग फिर हम लोग इसमें एक और पीस चिकन का लगाएंगे और हम लोग इसमें उसके बाद जो है वो प्याज का स्लाइस लगाएंगे। इस तरह से जो है हम लोग अपनी स्टिक्स जो है वो बना के रखते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से, ये देखें जी, इसी तरह हम लोग जो है वो सारी चिकन को स्टिक्स में लगा लेंगे। हम लोग इसे तवे पे बनाएंगे। तवे को जो है वो मैंने अच्छे से गरम कर लिया और सिर्फ ऑयल से इसे ग्रीस करना है ब्रश के साथ इस तरह से। ये देखिए जी, अब 1 बाय 1 करके हम लोग सारी स्टिक्स जो हैं वो तवे पे रख देंगे इस तरह से। एकदम से जो मैंने गरम तवे पे स्टिक्स रखी हैं और एकदम से धुआं निकला और इतनी अच्छी से खुशबू आई है ऐसे जैसे घर में कोई बारबेक्यू कर रहा है। चिकन को भी सिर्फ हम लोगों ने ऑयल से इस तरह से ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कर देना है। अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब तवा आप लोग तवे पे स्टिक्स रखना शुरू करें तो आप लोगों ने देखना है कि तवा गर्म होना चाहिए। अगर तवा ठंडा होगा तो चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा और आप लोगों की जो सारी तुर्किश बोटी है उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तवा जो है वो गर्म होना चाहिए। लीजिए, यहाँ पे जो है हमारी स्टिक्स पे अच्छा सा कलर आ चुका है, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। इसी तरह हम सारी स्टिक्स बना के रेडी कर लेते हैं और इसे डिश आउट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। लीजिए, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी फटाफट सी जो है वो तुर्किश सीख बोटी बनके रेडी हो चुकी है। साथ में मैंने ये ऑलिव्स का सॉस लिया है, इसके साथ जो है इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। जब भी आप बनाएं तो इस सॉस के साथ इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ में कुछ खीरे कट करके रखें, कुछ प्याज जो है वो स्लाइस में कट कर दिए हैं। अक्सर जो है वो बच्चे ईद पर गोश्त नहीं खाते तो ईद पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद होते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या बना कर दें। तो ये न्यू डिश है, इसे बनाएं, इन्जॉय करें, दावत वगैरह में बनाएं, पार्टीज़ में बनाएं, ईद दावत में बनाएं। इंशाल्लाह मेहमानों को, छोटों को, बड़ों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल का आइकन है इसे जरूर प्रेस करें। इसे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।